माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का ज्योतिषी शास्त्र में बहुत महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है। हालांकि ग्रस्त लोगों के लिए इस दिन मौन रखना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में ग्रस्त लोग पूजा पाठ करने के बाद अपना मौन व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। ध्यान रखें कि स्नान दान करने के बाद ही अपना मौन व्रत खोलें। इस दिन दान जरूर करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। निस्वार्थ भाव से इस दिन कार्य करना शुभ फलदायी होता है। अब चलिए जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मांस मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन केवल सादा भोजन ही करें। साथ ही जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें और झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इस दिन देर तक सोने से भी बचना चाहिए और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अंदर आने से रोकें। अब चलिए जानते हैं इस दिन मौन व्रत रखने का महत्व। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कई साधक पूरे दिन मौन व्रत धारण करते हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव को मन का देवता कहा जाता है और इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, जिसके कारण मन की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में अमावस्या तिथि पर मौन रहकर मन को नियंत्रण किया जा सकता है, इसलिए इस दिन मौन व्रत रखने का महत्व होता है। आप चलिए जानते हैं इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का महत्व। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने का विधान है। माना जाता है कि अमावस्या पर देवता और पितर प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करता है, उसे लंबी आयु के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यदि आपके लिए गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो ऐसे में आप घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।